जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने आज फिर से आर्मी अग्निवीर का जो आपका एग्जाम आज हुआ है 21/4/2023 को, उसका फिर से मैथ और रीजनिंग का एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। सो जो भी स्टूडेंट हमारे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दें, आर्मी का पेपर काफी ज्यादा इजी आ रहा है और ज्यादातर बच्चे 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही करके आ रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करनी है, 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, मेरिट काफी ज्यादा हाई जाएगी। ऑल इंडिया का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। सो आज हम फिर से एक बार एनालिसिस करने वाले हैं। सो कंप्लीट एनालिसिस है, बने रहे आप हमारे साथ। तो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो आज पूछे गए थे एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का, ये क्वेश्चन रहेगा 23 लड़कों की कतार में किसी लड़के का दाएं से यानी कि राइट से कौन सा नंबर है, उसका 12वां नंबर है। तो बाएं से कौन सा स्थान आएगा, मतलब कि लेफ्ट से जो है उसकी कौन सी पोजीशन बनेगी, तो वो चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। काफी अच्छा पेपर जो है वो आज देखने को मिला था और आज के इस एग्जाम में फिर से एवरेज ने जो है वो बाजी मारी थी। लगातार 5 से 6 क्वेश्चन हमें हर किसी डे में जो है वो तीनों ही शिफ्टों में हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, साथ में कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी फास्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ सिंपलीफिकेशन के ऊपर आप थोड़ा सा जोर दें, क्योंकि सिंपलीफिकेशन अगर आपको आती है तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज पूछे गए थे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही जीरो लेवल के, जीरो से भी आप कम ले लीजिए, माइनस के लेवल के आपसे आज क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। सिर्फ प्लस और माइनस का ही खेल था, बाकी आप इजीली क्वेश्चन को आज कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 23 लड़के हैं टोटल। तो देखिए करना कैसे है, बिल्कुल दिमाग से आप इस क्वेश्चन को करिए, कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। ये आ गई जी कतार आ गई, ठीक है जी। ये हैं टोटल कितने लड़के, 23 लड़के हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लड़का जो है वो राइट से, अब राइट जैसे कि आप खड़े हैं तो आपका राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से बोला कौन से नंबर पे है वो लड़का, 12वें नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ कि 11 लड़के कहाँ पे होंगे, इससे पहले होंगे, यही नंबर हुआ ना। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करते गए, फिर 9, 10, 11 और फिर ये आ गया वो 12वां लड़का, ठीक है जी। इसका नाम मैंने क्या रख लिया, राम रख लिया। उसके बाद बोला कि तो लेफ्ट से कौन सा नंबर होगा। अब ये 23 बच्चे हैं टोटल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको कैसे क्वेश्चन को करना होता है। आप बिल्कुल उंगलियों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी गलती आपकी जो है वो नहीं होगी। 12 बच्चे तो ये हो गए, 12वें नंबर पे खुद है ये, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये 23 बच्चे आ गए, टोटल हो गए ना 23 बच्चे। अब आपको लेफ्ट से जो उसकी काउंटिंग करनी है, लेफ्ट से काउंट करिए, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें नंबर पे ये फिर से लड़का आ गया, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी इसकी, 12वीं पोजीशन ही हो जाएगी। इसको आप इजी वे में कर सकते हैं, 12वें नंबर पे ये खुद बैठा है, तो इसका मतलब 11 बच्चे इसके इस तरफ आएंगे और 11 बच्चे इस तरफ आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 11 और 11 ये 22 हो गए और खुद वो जो है वो लड़का वो 23वें नंबर का हो गया, तो टोटल उसकी पोजीशन आएगी 12वीं पोजीशन। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, उंगलियों पे करने वाले आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद था सर्चिंग शब्द को अगर अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं तो कौन सा क्रम जो अब हमारा समान रहेगा। तो देखिए पहले सर्चिंग आपको लिखना, क्वेश्चन कैसे करना है, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो देखिए कैसे करना है, ये लिखा मैंने एस, फिर लिखा ई, फिर लिखा मैंने ए, फिर लिखा आर, सी, एच, आई, एन और जी। अब करना कैसे है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है अल्फाबेट में, सबसे पहले आता है ए, ठीक है, ए ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा आता है, बी, सी। अब यहाँ पे चेक करना कौन सा अल्फाबेट है, बी तो है नहीं, सी है, तो सी मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, डी है नहीं, फिर ई लिख लिया, फिर एफ, फिर जी है हमारे पास, जी, एच भी है, आई भी है, फिर जे नहीं है, फिर के, एल, एम, एन है, एन लिख लिया, फिर ओ, पी, क्यू, आर, आर है और लास्ट में क्या है, एस भी है। तो ये सर्चिंग वाले अल्फाबेट आपने किसके हिसाब से लिखे, एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखे।
अब देखिए क्या कोई ऐसा अल्फाबेट है जो बिल्कुल उसके सामने है। अभी एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा कार, ठीक है। अब इसको आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखिए, पहले नंबर पे क्या आएगा, ए, ये हो गया, ठीक है। फिर आएगा सी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो देखिए आर की पोजीशन क्या रही, वही रही, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे था कार के केस में, और ए सी आर में भी तीसरे नंबर पे रहा, मतलब एक पोजीशन यहाँ पे सेम रहेगी। अब देखिए एस के सामने एस नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं, कोई भी इसमें से अल्फाबेट जो वो आपका सेम टू सेम नहीं है, मतलब सामने सामने सेम नहीं, तो कितने अल्फाबेट रहेंगे, जीरो अल्फाबेट। तो ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, कमेंट में आप करते चलें, आंसर आप देते चलें, कैसा आपका एग्जाम आया था, कितने क्वेश्चन आपने किए, लगभग 45 से ज्यादा प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था पहली शिफ्ट में जो है, क्योंकि उसमें पेपर आपका थोड़ा सा आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप लेवल का था, और उसमें अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो मैंने उसको उस टाइम बताया था 42 से ज्यादा आपकी जो है वो क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ मेरिट काफी हाई जाने वाली है, 45 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि सर हमने 48 क्वेश्चन किए हैं, 47 क्वेश्चन किए हैं, और एक क्वेश्चन के ऊपर उनको डाउट है, तो लगभग जो है वो 49 और 50 क्वेश्चन जो है वो लगभग करके आए हैं। तो आप मान के चलिए 48 वो जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर हमने बिल्कुल 101% सही किया है, तो मेरिट काफी ज्यादा हाई जो है वो जाने वाली है। अगला प्रश्न आप देखिए, 20 ml दूध को 4 लीटर पानी में मिलाते हैं, तो दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कई बच्चे इसको मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन समझते हैं कि 4 लीटर दूध था, फिर चीनी मिलाई, पानी मिलाया, तो नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ अनुपात बताना है। तो अनुपात जो है वो सिर्फ बताया जाता है किस केस में, सिमिलर के केस में, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ये चीज नहीं है, दूध पहले ml में दिया है, मिलीलीटर में, और उसके बाद किस में दे दिया, लीटर में, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोलूं कि मैंने पहले जो है वो 5 किलो जो है वो क्या लिए, आलू लिए, उसके बाद मैं बोलता हूं कि 4.98 ग्राम मैंने आलू लिए, तो ये कंपैरिजन नहीं हो, कंपैरिजन किस में होता है, जब किलो वाली चीज किलो में बताई जाए, मिलीलीटर वाली चीज मिलीलीटर में बताई जाए। तो वैसे ये 20 ml आ गया, तो इसे 4 लीटर को भी किस में चेंज कर देंगे, ml में, तो 1000 से गुणा करते हैं, तो ये बन जाएगा 4000 ml, ठीक है जी। अब ये 0 से 0 कट गया, और 2 से ये 400 कटेगा, तो कितना आएगा, 200, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 1:200 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप करिए, 250 का 8%, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर थे, 250 का 8% निकालना था, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, और 5 को 4 से गुणा करने पे कितना जाएगा, 20, तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे। देखिए अगला क्वेश्चन भी फिर से फ्री है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला आपने लगाया, डिस्टेंस कितना बताया था 200, और टाइम कितना बताया था 4 घंटे, जब भी डिवाइड करते हैं तो वो 1 की वैल्यू आती है, और 1 घंटे की वैल्यू पूछी थी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 किलोमीटर वो चलेगा। अब देखिए आप इसको इजी अच्छे वे में कर सकते हैं, 1 घंटे में 50 चला, फिर दूसरे घंटे में फिर से 50 चला, तीसरे में फिर से 50 चला, चौथे में कितना चला, 50, तो होगी वैल्यू 50 50 50 और 50, 200 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। तो बिल्कुल अच्छे वे में क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे आज तो आपके, ए बी बी सी का अनुपात दिया था आपके पास, जेड रूल आपको आना चाहिए, ए बी सी, अब ये 1 और 3, अब बी और सी की वैल्यू कितनी दी है, 3 और 4, अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, वैसे इसको 3 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, इस वे में भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके, या फिर इसका भी एक अच्छा मेथड क्या होता है करने का, जब हमारी बी वाली वैल्यू क्या आती है, कॉमन आती है, ये जब ये दोनों वैल्यू क्या आती हैं, सेम टू सेम आती हैं, तो हम वैल्यू एज इट इज उतार देते हैं, 1, 3 और 4, कोई गुणा नहीं करना, कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, बस ये क्या बन गया, इसका राइट आंसर बन गया। लेकिन जब आपके पास बी की वैल्यू में क्या हो, चेंज हो, जैसे कि यहाँ पे 3 और 9 है, तो अभी ये बी की वैल्यू सेम नहीं है, तब आप इसको नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर इस 3 की जगह क्या होता, 2 होता, तो ये 1, 2 और 9, ये आपका क्या था, राइट आंसर था। तो इस वे में आपको क्वेश्चन करना है। देखिए अगला HCF का क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, इससे पहले शिफ्टों में जो वो HCF का क्वेश्चन इतना नहीं आया, HCF का आपका चैप्टर ही नहीं पूछा गया था, साथ में प्रॉफिट लॉस मैंने अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल आसान से आसान पेपर जो है वो आपके ऑनलाइन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी वालों को भी पता है कि
अभी तक जो है वो इतना ऑनलाइन जो है वो बच्चों के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी वालों की तैयारी ही उस तरीके से होती है जिसमें ऑनलाइन का कोई मेन मोटिव नहीं रहता है। तो बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो आपको ऑनलाइन पेपर 60 मिनट में हो सकता है, ऑनलाइन पेपर सबसे टफ होता है देना क्योंकि उसमें टाइम का शॉर्टेज होता है, लेकिन बच्चे जो हैं उसको क्या कर सकते हैं, आधे घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। उस तरीके का आपका पेपर जो है वो पूछा जा रहा है। 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो 12 और 20 कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को काट सकता है? तो 2 2 से कट जाएंगे, देखिए कितना आ गया, 6 और 10। उसके बाद फिर से 2 से कट जाएंगे तो कितना आ गया, 3 और 5। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इसको नहीं काट सकता, तो 2 गुणा 2 कितना, 4। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अगला प्रश्न फिर से ऐसे ही था, एचसीएफ का 8 12 और 20, 2 से आप काट दो, 2 से काटा कितना आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा। अब फिर से कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, फिर ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और ये 5 बार। अब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो इन सबको काट सके, 2 3 5 को, तो 2 गुणा 2 फिर से कितना, 4। तो ये बिल्कुल अच्छे लेवल के आपके आज क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे खासियत बात ये कि आपका हार्ड लेवल का कोई भी जो आपका टॉपिक था वो नहीं पूछा जा रहा। सीआई का कोई क्वेश्चन नहीं है, डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज का, आज कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। उसके बाद ट्रेन का बिल्कुल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम का आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो अगर आप पिछले 2 सालों के, अगर सेंटर 2 साल पहले के अगर सेंटर का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे लेवल आपका क्या था, टफ था। लेकिन अब जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें लेवल जो है वो बिल्कुल ही 0 से कम कर दिया है। एक त्रिभुज के 2 कोण कितने, 60 डिग्री। तो बोला कौन सा त्रिभुज होगा? अब देखिए, एक मैंने त्रिभुज बनाई, अब कभी भी त्रिभुज, सॉरी, जब भी आप त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुज आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि ध्यान रखें ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कभी भी 60 और 60 का तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बोला कि एक कोण 60 डिग्री का है, सॉरी 2 कोण कितने हैं, 60 डिग्री के, ये मैंने कर दिए 2 कोण, ये एक कोण, ये दूसरा कोण, ये 60 और ये 60। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा कोण कितने का होगा, टोटल कोण तो होता है 180 का, तो तीसरा भी खुद ही कितना बन जाएगा, 60 का ही बनेगा, क्योंकि जोड़ तो 180 बनाना है। अब तीनों कोण सेम हुए तो इसका मतलब तीनों की भुजाएं भी क्यों होंगी, सेम होंगी। तो समबाहु त्रिभुज उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिक वाला प्रश्न था आपका, कौन सी त्रिभुज होगी। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में आपसे पूछा गया था, और आज की शिफ्टों में यही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। एलसीएम लेना था, 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 6 5 30, और प्लस बचेगा 15 कम 15 और गुणा 7, तो 7 आ जाएगा। 30 और 7 कितने आ जाएंगे, 37/15, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रहेगा। उसके बाद अगला देखिए, ये तो बिल्कुल इजी था, 15 और 23 जमा करने थे, -12 करने थे, तो आंसर कितना आ जाना था, 26 आ जाना था। काफी अच्छा प्रश्न था ये। उसके बाद बोला था 18 लड़कों के अंक जो है वो कितने हैं, 580, और 12 लड़कों के अंक कितने, 620 है। तो सभी का औसत आपको बताना है। आज औसत के 2 या 3 क्वेश्चन ही टोटल आपके पूछे गए थे, नहीं तो औसत जो है वो आपके शिफ्टों में काफी लगातार बना हुआ एक चैप्टर है। तो 18 लड़के हैं, ठीक है जी, 18 लड़के आ गए, इनका क्या बताया आपको, अंक 580, तो आप इसकी एवरेज निकालेंगे। फिर 12 लड़कों का कितना बताया, 620, सभी का पूछा है तो सभी का करेंगे। कुल बच्चे कितना आ गए, कुल बच्चे आ गए 30, और कुल अंक कितने आ गए, 0 0, 6 और 6 कितने, 12। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम कितना है यहाँ पे, 1200, और टोटल नंबर कितने हैं, 30 हैं। 0 से 0 कट गया, 3 से 120 कटेगा, आंसर क्या आएगा, 40 आ जाएगा। तो एवरेज कितनी बन गई, 40 बन गई। तो बिल्कुल अच्छे वे से क्वेश्चन था। 2 संख्याओं का योगफल आपको बोला था 56 है, दूसरी की 3 गुना है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। दूसरी की ये बोला क्या है, 3 गुना है। हाँ, तो देखिए मैं यहां पे ले लेता हूं, ये आ गया ए, ये आ गया बी। अब बोला कि योगफल की बात बाद में करते हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब कि दूसरी की 3 गुनी कौन है, दूसरी की 3 गुनी कौन है, पहली संख्या। अगर दूसरी 1 है तो दूसरी का 3 गुना क्या होगा, पहली संख्या हो जाएगी। तो ये इनका क्या बन गया, अनुपात बन गया।
अब ये रेशियो हमेशा मल्टीपल में चलती है, इसलिए 3x और 1x लिख लिया। अब दोनों का योग कितना बोला 56 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग योग कितना है, मेरे अकॉर्डिंग 4 योग बना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बना 56। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 14। अब इसको भी 14 से गुणा कर देंगे, इसको भी 14 से गुणा कर देंगे, ये बना 14 और 14 42। तो ये हमारी क्या बन गई, उसकी रेशियो बन गई 42 और 14। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से एलसीएम आपको निकालना था तो कैसे करेंगे, ये आ गया 15, उसके बाद आ गया 25, उसके बाद आ गया 35। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो आपके बिल्कुल फ्री के नंबर थे, पहले किससे करेंगे 3 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35, उसके क्या करेंगे किससे 5 से करेंगे एक बार, फिर 5 बार और फिर 7 बार, फिर 5 से करेंगे एक एक और 7 और लास्ट में करेंगे 7 से, तो एक 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 आ जाना था, सबको गुणा करना था, 525 आपका राइट आंसर था। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर जो थे वो आज आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन। उसके बाद एक्स का आपको मान बताना था, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं। तो किस तरीके का ये क्वेश्चन था, ये आपको बोला गया था 3 और रेशियो 4, ये कितना दिया गया था 12 और एक्स दिया गया था। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो पहली वैल्यू को लास्ट से गुणा करते हैं, बीच वाली को आपस में गुणा करते हैं, तो 3x और 4 गुणा 12। अब ये 3 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 3 से कटा 4 बार, 4 गुणा 4 कितना आ गया 16, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, एक लड़का 18 किलोमीटर की गति 2 घंटे में दूरी कितना तय करेगा, तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको क्या बोला था, दूरी बतानी है यानी कि डिस्टेंस बताना, तो टाइम चला जाएगा ऊपर, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी आपकी 18 और टाइम था 2, 18 दूने 36। तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन जो थे वो आज पूछे गए थे, सबसे ही जीरो लेवल के। कमेंट आप करते चलें कैसा आपका एग्जाम आज का आपका रहा था और कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही किए हैं, क्योंकि आपकी इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बच्चे जो हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट फ्रैक्शन से जो है वो पीछे रह जाते हैं। अगर आप आपका कोई अगर भाई बहन अगर हुआ है तो उसको पता होगा कि मेरिट अगर 160 गई है, किसी के 159 है, तो आर्मी वाले कभी भी वेटिंग लिस्ट जो वो नहीं निकालते, वो अपने ही अकॉर्डिंग बच्चों को उठाते हैं। इसलिए अगर आपका अभी एग्जाम होना है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 56, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 54। 6 से कट जाएगा ये 9 बार, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 9। ए अब स्क्वेयर हटाना तो रूट लगेगा, तो 9 किसका रूट है 3 का। अब आयतन बताना है, तो आयतन होता है साइड का क्यूब, साइड कितनी 3 का क्यूब करेंगे, तो राइट आंसर 27 आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था आज का ये। उसके बाद था 60 का कितने प्रतिशत है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें इस कोमे का मतलब होता है इक्वल टू, 3 एज इट इज लिखा फिर इक्वल टू लिख दिया, 60 का मतलब गुणा, ये का मतलब क्या आ गया गुणा, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत एक्स प्रतिशत। अब आप क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू आप ऊपर ले जाएं, 100 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, इस तरफ चला गया 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 60 बचा। अब ये 60 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, इस तरफ भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक्स बच गया। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कटा, 3 से ये कटा 2 बार, 2 से 10 कटा, राइट आंसर कितना 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से काफी अच्छा प्रश्न था, 2/8 जमा 3/8 माइनस के 5/8, ये हमारा प्रश्न था। एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 2+3 माइनस के 5, 3 और 2 5, 5 में से 5 गए तो 0/8। किसी वैल्यू से जब 0 को भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। अगला प्रश्न था रीजनिंग का, सुरेंद्र क्लासरूम में जो वो 16वें स्थान पर बैठा है और उससे पीछे भी 16 बच्चे हैं, तो टोटल कितने छात्र हैं। तो देखिए क्या कैसे बात बोली गई है कि एक कोई लाइन है ये, अब बोला गया कि आगे से जो वो कौन से नंबर पे बैठा, 16वें नंबर पे, ये 16वें नंबर पे आ गया, इसका मतलब 15 बच्चे यहाँ होंगे, और पीछे से भी कौन से नंबर पे बैठा, 16वें नंबर पे, मतलब जब यहाँ से काउंट करते हैं तब भी कौन सा नंबर आता है 16वां, मतलब कि 15वें बच्चे के बाद आता है, तो 15 और 15 कितने 30 हो गए। अब ये यहाँ से काउंट किया बच्चा तो 16वें नंबर से आया, यहाँ से काउंट किया तब भी 16वें नंबर पे आया, मतलब कि बच्चा तो एक ही है, तो 30 और 1 कितने 31, ठीक है जी, क्लियर है।
अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करना थे, आप खुद कर सकते हैं, 85 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था, जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी तरीके से मशीनरी को जो है वो आपने क्या करना है, अल्फाबेट में लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे जो है वो हम इसको लिखेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, एम ए सी एच आई एन ई आर बाय। अब आप इसको कॉन्टिन्यू वे में लिखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया ए, ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई, फिर आएगा एच, फिर आई, फिर एच आई जे के एल एम है उसके बाद, फिर आएगा एन, फिर ओ पी क्यू आर, फिर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाय, ठीक है जी। तो देखिए आमने सामने क्या आ गया, एक तो आ गया एच, एक तो आ गया आई, दो, एक आ गया आर और एक आ गया बाय। तो टोटल कितने शब्दों का स्थान नहीं बदला है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, चार वर्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अगला प्रश्न था, त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना था जिसकी भुजाएं 13, 12 और 17, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज थी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती। ये 13 थी, ये 12 थी और ये 17 थी। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल साइड, तो यानी कि 12, 13 और 17, तो राइट आंसर क्या था, 42। सबको ऐड कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज में हीरोइंस फॉर्मूले का आप उपयोग यहां पर करते हैं। उसके बाद रीजनिंग का फिर से एक एनालॉजी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोज को आपको बोला गया था कैसे आपको पैटर्न चेक करना, ई पहले लिख दिया, फिर एस बाद में लिखा, ओ ऐसे लिखा और आर यहां पर लिख दिया, तो अपोजिट लिखा था, यानी कि पहले क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे टी, फिर क्या आएगा एस, फिर क्या आएगा ई, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा बी, टी एस ई बी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है जी, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, चौड़ाई की दोगुनी कौन है, लंबाई, यानी कि अगर चौड़ाई एक होगी तो उसका दो गुना, दो क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। ये आ गई रेशो, तो रेशो हमेशा चलती है एक्स में। अब इसका परिमाप कितना, 42 है। अब मैं खुद एक फॉर्मूला लगाता हूँ परिमाप का, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मैंने भर दिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला और परिमाप दिया कितना, 42। बस इसको ओपन करेंगे, कितना आएगा, 2 × 1 कितने, 2 × 1 कितने हो गए आपके पास, हो गए 3x और बराबर में कितने, 42। 3 × 2 = 6x बराबर है 42, 6 से 42 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है जी। इसको भी 7 से गुणा करेंगे और इसको भी 7 से गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14 और ये आ गया 7। तो लंबाई बोली थी तो लेंथ कितनी आ गई, 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या था, औसत क्या होगा, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 12। इसका जब भी औसत की हम बात करते हैं तो औसत कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि 6 + 8 + 9 + 16 (sorry 9 के बाद कितना था 15), फिर था 16, फिर था 18 और फिर था 12। और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल हैं कितने नंबर, तो आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड करेंगे, सम कीजिए, 18 और 12 कितने, 30, 30 और 10 40 और 10 50, 50 और ये 11 बनेंगे ना, तो 50 और 10 60, 61 और 9 कितने, 70, 70 और 8 78, 78 और 6 कितने, 84, 84/7 आएगा, तो कट के कितना आंसर आ गया, 12। तो ये हमारे आज के कुछ जो थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए, जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाए गए थे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ऐसी क्लासेस आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी जिसमें हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जल्द ही आपको जीके की क्लास भी देखने को मिलेगी जो आज के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।